पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। जो कायदे आज़म ने एक बात की थी ना सन 42 या 48 में कि जब उनसे पूछा गया लाइफ मैगजीन में कि हाउ डू यू परसीव पाकिस्तान, तो कायदे आज़म द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान सेड दैट आई सी पाकिस्तान टू बिकमिंग टू बिकम द पिवट ऑफ द वर्ल्ड। और छोटी सी बात है कि इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी की गंदम खाई है और इसी मिट्टी में हमने दफन हुए हैं। तो फॉर अस पाकिस्तान इज़ नॉट एन एलियन लैंड, हम इसी के हैं और ये हमारा है। 60% प्लस हमारी पाकिस्तान के अंदर यूथ है। मैं उस यूथ को दो आज जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ कि इस वक्त आपने सिर्फ एक पाकिस्तानी करना है। खुदा रहा पे आपको तकसीम मत कीजिए, आपका दुश्मन धाक लगाए बैठा और वो आपको चाह रहा है कि तकसीम करें। इंशाल्लाह एक दिन हम श्रीनगर जाएंगे, उधर पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम लहरा रहा होगा। जो बात अली गिलानी करते हैं कि हम पाकिस्तान, 80 साल की उम्र में वो बुजुर्ग ही बात करते हैं कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है। जब बुरहान मुजफ्फर वानी साहब पाकिस्तान के झंडे में लिपट के शहीद होते हैं तो नकारा जंग है ना जी उनकी तरफ से। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, हम एक मजबूत कौम है, हम में जज्बा है, वलवला है और इंशाल्लाह ताला हमारे नौजवान और हमारे जितना भी पूरी कौम मिलके भारत के जितने भी अजायम हैं इनको नाकाम बनाएंगे इंशाल्लाह। और आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक हम पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, इसकी कोहेसिवनेस के लिए और इसकी डेवलपमेंट के लिए इसी तरह से अपना पसीना निकालते चले जाएंगे। हमारी मिट्टी, हमारी जान, हमारा पसीना, हमारा खून, एक एक कतरा जो है वो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर हम हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हैं। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। जितना अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, माँ जब नहीं भी रहेगी ना ये पाकिस्तान तब भी रहेगा। इसी पाकिस्तान के बदन में उस माँ ने दफन होना है तो फिर हमारा 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 ईमान ही मुकम्मल नहीं है जो हम इस मदीना एहसाने की हिफाजत ना करें। Thank you.